गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल बी टेकिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश की लास्ट क्लास में हमने एक पोएम कंप्लीट करी थी, शेडो वाली। ठीक है, पोएम का नाम क्या था? माई शेडो। तो आज हम एक लेसन देखेंगे। क्या नाम है लेसन का? रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फ्रूट। ठीक है, बहुत अच्छा लेसन है। इसमें क्या होता है कि एक आदमी होता है जो किसी एक आइलैंड, एक द्वीप पे फंस जाता है। एक दिन अचानक क्या होता है, एक दिन अचानक उसको समुद्र के किनारे पर एक बड़ा सा पैरों का निशान दिखाई देता है। ठीक है, तो वो डर जाता है, घबरा जाता है कि कहीं जो लोग इस टापू पे रहते हैं, कहीं वो लोग तो नहीं आ गए हैं, तो उन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया है, कहीं वो मुझे खा तो नहीं जाएंगे। तो डर के मारे वो क्या करता है, वो भागता है, दौड़ता है, और जहाँ भी जिस गुफा में वो छुपा होता है उसको वो महल कहता है, वहाँ पे वो जाके छुप जाता है। लेकिन भागते वापस जाकर उसको डर, हमेशा डर ये लगा रहता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आने वाला है और मुझे मार देगा और मुझे खा जाएंगे। ऐसे करते करते एक दिन बीत गया, दो दिन बीत गया, तो ऐसा कोई भी कुछ नहीं हुआ, कोई हलचल नहीं हुई। तो जो रॉबिन्सन क्रूसो था उसने हिम्मत करके बाहर निकलने की कोशिश करी अपनी गुफा से, और दोबारा से वो उसी किनारे पर पहुंचा जहाँ पे उसने वो फुटप्रिंट देखा था। फिर वो वहाँ पर अपने फुटप्रिंट से उस फुटप्रिंट को मैच करता है, साइज मैच करता है कि कहीं ये मेरा तो नहीं, कहीं डर के मारे, कहीं मैं अपने आप से तो नहीं डर रहा। तो वो अपना फुटप्रिंट मैच करता है, वो ये पता लगा पाता है कि ये उसका फुटप्रिंट नहीं है, क्योंकि जो वो फुटप्रिंट बना होता है मिट्टी में वहाँ पर, वो उसके पैर से बड़ा होता है। इसलिए वो फिर से डर जाता है, कहीं से कहीं वो आदिवासी तो नहीं, अगर उन्होंने मेरी जो बोट है टूटी हुई वो देख ली तो उन्हें पता लग जाएगा कि मैं भी यहाँ पर हूँ, वो मुझे आप पकड़ेंगे और मुझे खा जाएंगे। तो फिर से डरता हुआ, भागता हुआ अपनी गुफा में वापस चला जाता है और फिर से उसमें जाके वो छुप जाता है। तो स्टोरी में दिखाया गया कि रॉबिन्सन क्रूसो है, अपने डर की वजह से कितना कुछ झेलता है वो, सिर्फ एक डर की वजह से ही उसको कितना कुछ झेलना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ नहीं भी होती, हमें कभी कभी उस चीज़ का डर होता है, वो डर हमारे मन में बैठ जाता है कि कहीं वो आ तो नहीं जाए, मतलब ऐसी चीज़ों का डर जो कि नहीं हुई लेकिन हमको लगता है कि वो चीज़ हुई है। ठीक है, तो इस तरह का डर हमें कभी कभी बहुत डराता है और हमें बहुत प्रभाव भी पड़ता है हमारे ऊपर उसका। तो बहुत अच्छा लेसन है, इसको दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया है इंग्लिश इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़िए, वर्ड्स पढ़िए, लेसन्स पढ़िए, आपको समझ में भी आएगा, वर्ड्स के मीनिंग भी आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो आपको ये लेसन रीड करना है बिल्कुल ध्यान से। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू।